10 बजे बोला था, 11 बजने वाले हैं। पता नहीं आएगी भी या नहीं। कहीं मजाक तो नहीं कर रही? मजाक मैं नहीं, तुम कर रहे हो। अनु, मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? अनु, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, और ये देखो तुम्हारे मनपसंद फूल भी लेकर आया हूँ। बस, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि आज के बाद मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अनु, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे इस तरह बात क्यों करती हो, हमेशा अवॉइड करती हो। आखिर कमी क्या है मुझ में? अच्छा दिखता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ। अनु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज। पता है क्या, प्यार में जोर जबरदस्ती नहीं होती। जबरदस्ती? जबरदस्ती तो मैं करूंगा तुम्हारे साथ। हाँ? जबरदस्ती हाँ, तुम्हें अब बर्बाद कर दूंगा। तुमसे प्यार करता हूँ तो इसका मतलब ये कि तुम जो कहोगी वो मैं मानूंगा। छोड़ो उदय। आखिर चाहती क्या हो तुम? हो क्या तुम चाहती? छोड़ो क्या उदे? हो क्यों छोड़ू? उदय छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। क्या करोगी तुम? क्या करोगी तुम? क्या गोली चलाओगी? हाँ, चला गोली। उदय, मैं सच में गोली चला दूंगी। चला, मैं सच कह रही हूँ। चला गोली, गोली चला, चला गोली, चला गोली। कहाँ रह गई थी? बस ऐसे। अच्छा ये देखो, ये तुम्हारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आई। अरे वाह, मैच शुरू होने से पहले ही इनाम? मेरे लिए तुम हमेशा चैंपियन हो। दोस्तों, बहुत ही जल्द आपके सामने मुकाबला शुरू होने वाला है। मुकाबला के बादशाह रॉकी और सूरज के बीच में। रॉकी को ना तो कोई पिछाड़ सका है ना ही हरा सका है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग रॉकी के सामने पिट जाते हैं। पछता रहा है कि किससे पाला पड़ चुका है। अरे
सूरज, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ले चलो मुझे यहां से, दम घुटता है मेरा इस घर में। क्या कर रहे हो? दीपक भैया घर पर हैं। अगर उन्होंने देख लिया ना तो गए हम दोनों। क्या करूं, तुम्हें देखे बिना रहा भी तो नहीं जाता। और मैंने देखा था तुम्हारा भाई तुम्हें किस तरह खींच के ले जा रहा था। धीरे, तुम मैच हार गई ना। हाँ यार, क्या करूं, तुम ही बताओ, तुम्हें कोई इस तरह खींच के ले जाएगा तो मेरा दिमाग काम करेगा क्या? अब तुम्हें देख लिया ना, समझो मैच जीत गए। सूरज, मुझे ये समझ नहीं आता कि दीपक भैया को तुम पसंद क्यों नहीं आते। जैसे तुम्हें देखते ना गुस्से से पागल हो जाते। अनु, भैया, अनु, सूरज तुम जाओ यहाँ से। अरे आने दो ना, आज ही बात कर लेता हूँ मैं उससे। अनु, 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 कब से बुला रहा हूं, सुनाई नहीं देता तुम्हें? सॉरी भैया, वो नींद लग गई थी। कौन था कंपनी, कौन है यहाँ? कोई भी नहीं भैया। किससे बात कर रही थी तुम? किसी से भी नहीं। शक करने की बीमारी होगी। इतना भी किसी के पीछे नहीं पड़ते। आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। देखो अनु, तुम्हारा सूरज से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारी शादी ना मैं अपने पसंद के लड़के से ही करके रहूंगा। भैया, मैं शादी करूंगी, लेकिन उससे जिससे मैं प्यार करती हूँ, यानी सूरज से। अनु, आइंदा सूरज का नाम तुम्हारे मुंह से निकला ना तो मैं खुद उसे जान से मार डालूंगा, समझे तुम? मैं खुद उसे जान से मार डालूंगा। सूरज, तुम्हें मजाक सोच रहे?
मुझे तो बहुत डर लग रहा है भैया, कुछ भी कर सकते हैं। जो डर गया समझो वो मर गया। अच्छा मैं चलता हूं। कल आना जरूर। ऑल वेल और सब बढ़िया। एक्सक्यूज मी, अरे दीपक तू यहाँ? ये तेरे हाथ को क्या हुआ? चला गोली! अरे दीपक बस वो एक छोटा सा ना एक्सीडेंट हुआ था, अब ठीक है। लेकिन तू एक बात बता, तू सूरज की पार्टी में क्या कर रहा है? और अनु वो नहीं आई? अरे यार अनु घर से गायब है, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। क्या अनु गायब है? और तुझे ऐसा लगता है कि उसे सूरज ने गायब किया है? और कौन हो सकता है, प्यार का भूत जो सवार है दोनों पे। आज मैं अपना काम करके ही रहूंगा। यार मैं उसकी शादी तुझसे करवाना चाहता हूँ। दीपक मेरे भाई देख, तू कोई भी ऐसा वैसा काम मत करना जिससे आगे जाकर तुझे प्रॉब्लम हो। सूरज थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। Happy birthday. Thank you. चले सर केक काटे। नहीं अभी कोई खास आने वाला है। खास? दोस्तों, आज की ये पार्टी सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि आप सभी के लिए यादगार होने वाली है, क्योंकि अब वो यहाँ आ चुका है। वो सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का चहिता है। तो लीजिए अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस देश की शान, इस देश का गर्व, महान कुश्तीबाज और मेरा जिगरी फ्रेंड महाबली शेरा। देख रहा है शेरा को? मेरे पहलवान टिक पाएंगे शेरा के सामने? क्या करना सर? थोड़ा इंतजार करो, अब हाथ से नहीं कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे सूरज। थैंक यू सो मच। जियो हजारों साहब। थैंक यू मेरे दोस्त। मैं दुआ करता हूँ कि तुम TNA रेसलिंग की सबसे महान हस्ती बन जाओ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और स्पेशल आपके लिए मेरी तरफ से। तो दोस्तों शेरा का इंतजार था, अब केक काटते हैं, आइए। आया सुन, मुझे तू कुछ स्पेशल कह रहा था, कुछ बात करनी है फोन के बारे में, कुछ उस बात की थी ना फोन पे, कुछ करना है बाकी बारे में। ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ सूरज? क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? सूरज 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 डॉक्टर को बुलाओ यार प्लीज। सूरज ए बोलना क्या हुआ तेरे को? दीपक ये क्या किया तूने? इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए निकल लेते यहां से। CID ये इसकी नाक में कुछ खून जैसा दिखाई दे रहा है, चेक करना पड़ेगा। ये देखो दया, नाक में वाकई खून है। गया खून तो इसके नाक और मुंह दोनों में है।
इसके गले पे भी ये चोट लगी है। हाँ। लेकिन चोट ज्यादा पुरानी नहीं है। एक मिनट। You're right, सचिन। ये निशान देख करके लगता है इसे 10-12 घंटे पहले ये चोट लगी है। सर, इन लोगों से पूछ लेते हैं। बिल्कुल। चलो। देखिए आप लोग जानते हैं क्या सूरज ने हाल ही में कोई कुश्ती लड़ी थी क्या? जी सर, कल रात को ही सूरज सर ने एक कुश्ती में हिस्सा लिया था। ओ, तो उन्होंने किसी से अपने सरदर्द में या हाथ पैरों में कुछ सुन्न हो जाने की कोई शिकायत की थी? हाँ सर, कुछ देर पहले उन्हें सरदर्द भी था और उन्होंने उल्टी भी की थी। हमको लगा कुछ उनके खाने पीने में गड़बड़ हो गई। सर, उनके खाने पीने में किसी ने जहर तो नहीं दे दिया? दया, दया, मुझे लगता है ये एक सिंपल ब्रेन हेमरेज का मामला है। वैसे पक्का नहीं कह सकता, लेकिन लगता यही है। सारे सिम्टम्स यही बता रहे हैं। इट्स अ नेचुरल डेथ, स्वाभाविक मौत है। सर, ये नेचुरल डेथ नहीं है, ये खून है। सूरज मुझे कुछ खास बात बताने वाला था आज, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। मुझे लगता है कि कुछ आता नहीं है कि ये खास बात मुझे पता चले। देखिए शेरा जी, बात दरअसल है कि सूरज आपका बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए आप भावना में बहकर कैसी बात कह रहे हैं। वैसे ये सारे लक्षण, उल्टी आना, नाक और मुंह में से खून बहना, सर दर्द होना, ये सारे के सारे लक्षण ब्रेन हेमरेज के ही हैं। सर, आप लक्षणों पे मत जाइए, मेरी बात मानिए, आप इसकी जांच कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। अरे आप सीधी सिंपल सी बात मेरी मानते क्यों नहीं है शेरा जी? देखिए कल उसने कुश्ती लड़ी थी ना, तो हो सकता है कुश्ती के दौरान उसके सर में चोट आ गई और इसलिए ब्रेन हेमरेज हो गया। बस सीधा सिंपल ब्रेन हेमरेज है और कुछ नहीं है भाई। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? शेरा छोड़ो, संभालो शेरा जी, ये आपने अच्छा नहीं किया। सालू के सांप को हाथ लगाना तो दूर, उनकी तरफ कोई नजर उठा के भी देखे ना तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं बोल दिया सर, आई एम सॉरी। एक्चुअली वो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसके लिए भावना में बह गया। सॉरी सर, आई एम रियली रियली सॉरी सर। नहीं नहीं, इट्स ओके। शेरा, हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं, मगर तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। सिर्फ तुम्हारे मान लेने से हम ये नहीं मान सकते कि सूरज का खून हुआ है, क्योंकि हम लोग सबूतों पर काम करते हैं, भावनाओं पर नहीं। सर, असली योद्धा तो आप हो, हम लोग तो सिर्फ अखाड़े में लड़ते हैं, लेकिन आप मासूम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हो और मुजरिमों को सबक सिखाते हो। आज मुझे सूरज का फोन आया कि कुछ मुझे खास बात करनी है, लेकिन जब मैं उसके सामने खड़ा, लेकिन अचानक उसकी डेथ होगी। शेरा, हम पर विश्वास रखो, तुम्हारे दोस्त सूरज, उसे भी न्याय दिलाएंगे। ये देखो, इसका हाथ जला हुआ है, ये तो इलेक्ट्रिक्यूशन से मारा गया, बिजली के झटके से। मगर सर, अभी तो आपने कहा था कि इसे ब्रेन हैमरेज हुआ। हाँ पंकज, लेकिन ब्रेन हैमरेज बिजली के झटके की वजह से हुआ है। लेकिन सर, यहाँ पे आसपास तो ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दे रही जिससे इसे करंट लगा हो। सचिन, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सूरज की मौत इलेक्ट्रिक करंट से हुई है, तो इलेक्ट्रिक करंट से ही हुई होगी। सूरज केक काटते वक्त अचानक चीख के गिर पड़ा, सकता है इस केक में कुछ हो। पंकज, वो देखो वहां क्या गिरा हुआ, उठा। सर, ये तो स्टील नाइफ है। स्टील का चाकू? मगर केक वाले आजकल केक के साथ साथ प्लास्टिक नाइफ देते हैं सर। इलेक्ट्रिक करंट का असर इस पे और अच्छी तरह से हो, शायद इसीलिए जानबूझकर स्टील का चाकू रखा गया था। Exactly. केक को चेक करते हैं। ओह, ये देखो, इस बिजली के तार से इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया गया था इस केक को। सर, ये तार लगा हुआ है, ये देखिए, बड़ी सफाई से घास में दबाता हुआ लेके आया ये तार। देखो जरा कहां कनेक्टेड है ये। हाँ,
अरे वाह, काफी मेहनत की है इसने। जरा पकड़ने से वो देखो, वायर यहां इस कमरे के अंदर जा रहा है। मगर एक काम करो, मैनेजर और वेटर सबको यहां बुलाओ जिन्होंने वो केक का टेबल सजाया था, जल्दी। ये देखो सर, वायर का बंडल और क्लिप्स पड़े हैं यहां पे। सर, मैनेजर और वेटर्स। मैनेजर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके होटल के कमरे से वायर खींचा गया हो वहां लॉन तक, और आप में से किसी ने कुछ नहीं देखा? सर, सूरज जी ने दो दिन से ये कमरा बुक करके रखा हुआ था, हमें कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। सर, आज सुबह एक आदमी आया था और वो कह रहा था कि मैं सूरज जी का दोस्त हूँ, केक के साथ वो कुछ कर रहा था। रेडी, इसे ले जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ। यस सर। चलिए, इस कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, चलिए। लोगों की नजर लग गई मेरे प्यार को, आखिर मार दिया उन्होंने मेरे सूरज को। अनु, क्या कहें? हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं और बहुत जल्द सूरज का खून ही सलाखों के पीछे होगा। अनु, मगर तुम उस कबर्ड में पहुंची कैसे? मैं सूरज की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी अचानक भैया आ गए। उन्होंने मुझे सूरज की बर्थडे पार्टी में जाने से मना कर दिया और मुझे कमरे में बंद करके चले गए। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से भाग निकली और पार्टी शुरू होने से पहले वहां पहुंच गई। फिर मैं सूरज को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंची और देखा कि एक आदमी केक के टेबल पर एक इलेक्ट्रिक वायर जोड़ रहा है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछती, किसी आदमी ने पीछे से आके मेरा मुंह बंद कर दिया और शायद फिर मैं बेहोश हो गई। मतलब दूसरा आदमी भी मौजूद था? सर, वो दो लोग अनु को भी मार सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हो सकता है वो दूसरा आदमी दीपक हो, अनु का भाई। हाँ सर, एक भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? इसीलिए उसने अनु को बेहोश किया और कबर्ड में बंद कर दिया। क्यों अनु, सूरज के खून में तुम्हारे भाई दीपक का हाथ हो सकता है ना? अनु, हम जानते हैं कि तुम अपने भाई के खिलाफ कुछ बोलना पसंद नहीं करोगी, मगर अगर तुम चाहती हो कि सूरज का खून ही पकड़ा जाए तो सच क्या है बताओ। हो सकता है, दीपक ने मुझे कई बार धमकी दी कि वो सूरज को मार डालेगा और शायद उसने ही सूरज को मार डाला। अनु, दीपक का नंबर दीजिए। 111-666-010-010। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। दीपक का तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है सर। तो सूरज का फोन करने के बाद वो कहीं छुप गया होगा। अनु, कोई अंदाजा है कि तुम्हारा भाई दीपक कहाँ हो सकता है?
शहर में हमारे कई सारे रिश्तेदार हैं, शायद उनके घर पे। दीपक को ढूंढना होगा और उस आदमी को भी जिसने केक में तार लगाया, इलेक्ट्रिक तार, जिसकी वजह से सूरज की मौत हो गई। यह आदमी यही काम करता है ना? हाँ साहब, ये तो भीकू है। क्या भीकू? भीकू तो अंदर है साहब। अंदर है भीकू? लेकिन क्या बात है साहब? पास मत आना साहब, पास मत आना साहब, सच्ची बोल रहा हूँ साहब, करंट लगा दूंगा साहब। करंट लगाएगा? हमें करंट लगाएगा? तुझे हम करंट लगाते हैं। ये अनु ने जो रिश्तेदारों के पते दिए थे उनमें से दो जगहों पर तो दीपक मिला ली, लगता है वो यहाँ पर छुप कर बैठा है, जरूर यहाँ पर। तो मर गया, अब अनु को ना मजबूर होकर उदय से शादी करनी पड़ेगी। अगर अनु है कहाँ, अगर मैंने उसे फोन किया तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। दीपक, क्या सीआईडी? रुक जाओ दीपक, मैंने कुछ नहीं किया, अरे छोड़ो मुझे। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों आया? जाने दो सर। क्यों मारा सूरज को? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों मारा सूरज को? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने सूरज को नहीं मारा सर। कुछ नहीं किया तो घर छोड़ के यहाँ छुप करके बैठा था? सर, सर, सर मैं डर गया था सर कि कहीं सूरज के खून का इल्जाम मुझ पर ना लग जाए। सर, ये भीकू है, इसी ने केक में बिजली का तार लगाकर सूरज की जान ली सर। अच्छा, तो तुमने मारा सूरज को? बताओ, बताओ क्यों मारा तुमने? सर, ये आदमी है जिसने मुझे पैसे दिए थे। पैसे? हाँ पैसे, वो पैसे जिस पैकेट में रख के तुमने दिए थे ना पैसे, वो क्या? हाँ सर, सर मैंने पैकेट दिया था सर इसे, लेकिन उसमें पैसे थे ये मुझे नहीं मालूम सर। उदय ने दिया था मुझे वो पैकेट देने के लिए। तो कौन है ये उदय? सर उदय मेरा दोस्त है सर, एनआरआई है, 6 महीने पहले यहाँ आया था और मैं अपनी बहन अन्नु की शादी उससे करवाना चाहता था सर। ओह माय गॉड, सर ये तो मर चुका है। गला घोट के मारा है। सर इसका हाथ भी टूटा हुआ है, सब कुछ इसी ने किया और इसे भी किसी ने मार दिया सर। सचिन, ऐसे हट्टे कट्टे आदमी का गला दबा कर मारना कोई आसान काम नहीं है, किसी ताकतवर आदमी का ही काम है ये, ताकतवर आदमी का। हाँ सचिन, क्या है? ये देखिए सर, इतने सारे पासपोर्ट और ये गन्स भी। तो हमारा शक सही था, ये उदय किसी गलत काम में ही लगा हुआ था। ठीक है सर, इस लिफाफे में 3 अलग अलग पेपर्स पे, एक पे सूरज, एक पे एड्रेस, गोल्ड मेडल, और सर दोनों पे लाल रंग से टिक किया गया है। लाल रंग से टिक किया गया है, इसका मतलब है दोनों की मौत हो चुकी है। सूरज को केक के अंदर इलेक्ट्रिक वायर डाल के मारा था, ये है वो केक, और ये सिर्फ एड्रेस है, इसे भी मार डाला, इसके एड्रेस से पता चल जाएगा। निखिल पता लगाओ क्यों नहीं है। देखिए सर,
सर इस पे शेर बनाया गया है और ये डार्ट है। हाँ पूर्वी, इसे मार नहीं सका है वो अब तक। कौन हो सकता है शेर? सर वो एड्रेस हमारी रोड पे किसी गुरुजी के नाम पे। गुरुजी? ये है मेरे पिताजी। इनका रेसलिंग स्कूल था, अपने स्टूडेंट्स को रेसलिंग की ट्रेनिंग देते थे। सूरज और महाबली शेरा उन्हीं के स्टूडेंट्स थे। ओ, शेर मतलब शेरा। तुम्हारे पिताजी कब गुजर गए? 3 महीने पहले। किसी ने उन्हें ऐसी दवा दी थी जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इसे अंदर ले जाओ। सचिन, इसका मतलब है गुरुजी और सूरज इन दोनों को उदय ने मारा है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और अब मर चुका है। अब जो भी ये करवा रहा था वो शेरा को मारने की कोशिश करेगा, मगर हम वो होने नहीं देंगे। करने वाले धुरंधर कुश्तीबाज के सामने क्या ये शेर टिक पाएगा? Come on! चलो! Come on, Intel! शाबाश मेरे सवा शेर, दिखा दे, दिखा दे अपने भारी भरकम भुजाओं का कमाल। पछाड़ दे ऐसे जैसे कोई पानी में से धोती पछाड़ता है, उड़ा दे ऐसे जैसे कोई एक फूंक से तितली उड़ाता है। शाबाश, दिखा दो। घबराना मत, पहला दांव है सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर घूरते रहना, और वो जैसे ही हमला करे दाएं बाएं आगे पीछे से गायब हो जाना। इसी में 15 सेकंड कम हो गए। दूसरा दांव है 30 सेकंड तक रिंग के चक्कर लगाते रहना। 45 सेकंड चले जाएंगे। तीसरा दांव है बाकी बचे 15 सेकंड उसके पीछे लग जाना, उसके आगे आना ही मत। पंकज करना मत, दिखा दे अपने बाजुओं का कमाल। चलो आप। Yeah!
से लड़ना तो पड़ेगा, मगर हड्डियां कितने गली कर रही है। पंकज तुम फ्रेडी और शेरा के पास रहो, चलो सचिन से खेल लो, भागना नहीं चाहिए। तो रास्ता बंद है। रुक जाओ, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना। देखो एक बार सीआईडी जिसके पीछे पड़ जाती है ना, कि भागने के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। विक्की रास्ते ढूंढता नहीं, विक्की रास्ते बना लेता है। आप लोग, मेरा कोई कसूर नहीं है, वो शेरा मेरे काम में टांग अड़ा रहा था, मैंने उसको माफ कर दिया, माफ कर दिया सर। सर ये तो ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। विक्की, लोग दूसरों के मौत का मातम बनाते हैं, तू अपनी बची हुई जिंदगी का मातम बनाएगा। सर, सर मुझे मुझे जिंदा मत छोड़िए सर, मुझे मार दीजिए सर, मुझसे इतना दर्द बर्दाश्त नहीं होता, ये मुझे मार दीजिए सर। देख, मौत इतनी आसान नहीं है कि मांगने से मिल जाए। तुम्हें क्या लगा तुम शेरा को मार दोगे? तुम्हें पकड़ने की प्लानिंग हमने पहले ही कर रखी थी। नहीं सर, मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अगर आप मेरे साथ रहोगे तो खूनी कभी सामने नहीं आएगा और ना वो जुर्रत करेगा, और मैं चाहता हूं कि खूनी सामने आए। वो लोग खतरनाक हो सकते हैं। कोई बात नहीं सर, सूरज के खूनी को सामने लाने के लिए मैं ये खतरा भी उठाने के लिए तैयार हूं। मैं उसका चारा बनता हूं और आप उसका शिकार कीजिए। क्यों हमारा सूरज का तूने? सर, सूरज और शेरा के साथ सर गुरु जी के पास मैं भी रेसलिंग की ट्रेनिंग किया करता था सर, और मैं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सर सर ताकत की गोलियां खाया करता था सर, लेकिन इसके बारे में सर गुरु जी को पता लग गया और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग स्कूल से निकाल दिया सर। सर ये तो पुराना खिलाड़ी है सर, कंपटीशन के लिए सर मैंने भी अपना ट्रेनिंग स्कूल खोला सर, लेकिन गुरुजी की इज्जत और नाम के कारण सर मेरा स्कूल फेल हो गया सर। इसलिए उदय को सुपारी दी गुरुजी का खून करने के लिए, सूरज को भी मरवा दिया, क्यों सर? गुरुजी के जाने के बाद एक सूरज ही था,
जो स्कूल को संभालने लग गया था। एक दिन सूरज को ऑफिस में से वो गोलियां मिल गई जिससे गुरुजी का हार्ट अटैक हुआ था। तब से सूरज और शेरा ने गुरुजी के कातिलों को ढूंढने के लिए जासूसों से कांटेक्ट किया सर। और इसीलिए तुमने सूरज को अपने रास्ते से हटा दिया और उदय उसे भी जान से मार दिया ताकि पीछे कोई सबूत ना बचे। हाँ सर, अब केवल शेरा ही बचा था जो गुरुजी का स्कूल चला सकता था। मैंने वो देखो शेरा की सुपारी दे दी सर, लेकिन आप लोग दीपक से सूरज के खून की पूछताछ करने लग गए। और दीपक और उदय बहुत पक्के दोस्त थे सर, और मैं डर गया कहीं आप दीपक के जरिए उदय तक ना पहुंच जाए और उदय कहीं मेरी सच्चाई ना बता दे सर। इसलिए उदय का खून करवाया और शेरा को मारने खुद चले आए। गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह। एक गुनाह छुपाने के लिए कई सारे गुनाह करने पड़ते हैं मुजरिम को, लेकिन आखिर में आना ही पड़ता है सीआईडी के कब्जे में। तुम्हारी एक ही सजा है, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।